हरिद्वार के सिरकुल थाना क्षेत्र में बीती 7 मार्च को सिक्योरिटी गार्ड और उसकी पत्नी पर हुए जानलेवा हमले के मामले का पुलिस ने आखिरकार खुलासा कर दिया है। पुलिस ने 2 युवकों को इस मामले में गिरफ्तार किया है। दोनों युवक उत्तर प्रदेश के बागपत के रहने वाले बताए गए हैं, जबकि घटना में शामिल रहे 4 अन्य आरोपी अभी फरार चल रहे हैं। क्या मामला था सर, कहां से पकड़े गए? देखिए, पिछले माह 7 मार्च को सिटकुल क्षेत्र में कंपनी के बाहर हस्बैंड वाइफ पर हमला किया, जानलेवा हमला किया गया था। कई राउंड फायर किए गए थे, तो उसमें मुकदमा दर्ज किया गया था धारा 307 का, और श्रीमान SSP महोदय के निर्देशन पर SOG और डिस्ट्रिक्ट पुलिस की टीम बनाई गई थी इस घटना के खुलासे के लिए। तो आज हमने इसमें 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। इसमें टोटल इनके पूछताछ से पता चला है कि टोटल ये 6 लोग थे जो कि आए थे, जिसमें से 3 लोग जो पीड़िता थी इसके भाई थे। तो 3 लोग थे जो कि ये बागपत के रहने वाले थे, इसके भाई थे। इन लोगों ने बाकी 3 लोगों को बुलाया था इस घटना को अंजाम देने के लिए। ये 3 लोग भी बागपत के ही हैं, इनके पड़ोस के गांव के रहने वाले हैं। इनमें से 2 लोगों को हमने गिरफ्तार किया है, बाकी इसके जो 3 भाई हैं और एक अन्य अभियुक्त है जिसका नाम नहीं पता है, वो अभी फरार चल रहे हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। सर, मकसद क्या था, क्यों इन्होंने हमला किया, क्या अभी तक जानकारी जुटाई है, और किस तरीके के हथियार इन्होंने उस टाइम यूज किए थे, नहीं बताया? देखिए, जो संज्ञान में आया है कि जो ये महिला थी, इसने घर वालों की मर्ज़ी के खिलाफ शादी की थी। पिछले लगभग 8-10 साल पहले इसकी शादी हुई थी, तो इसने कोर्ट मैरिज की थी घर वालों की मर्ज़ी के खिलाफ। तो उसको लेकर इसके परिवारजन इससे नाराज चल रहे थे। इसके भाई उस समय पर छोटे थे, अभी वो बड़े हो गए हैं, उनका कुछ आपराधिक इतिहास भी है जो कि खंगाला जा रहा है। तो उन लोगों ने ये योजना बनाई थी कि हम इसका बदला लेने के लिए अपने जीजा को और अपनी बहन को उस पर हमला करेंगे। तो ये कुछ समय पहले हरिद्वार आ गए थे घटना से पहले, और यहाँ पर इन्होंने आकर रेकी की, पता लगाया कि ये कहाँ पर काम कर रहे हैं, किस समय पर आते जाते हैं, और उस आधार पर इन्होंने बाकी लड़कों को बुलाकर इस घटना को अंजाम दिया था। पुलिस ने क्या कार्रवाई की सर, जो गिरफ्तार हुए लोग इनके खिलाफ? पुलिस ने जो 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, इनको इनसे पूछताछ करने के बाद, इनके बयान रिकॉर्ड करने के बाद, इनको माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। 307 के हमारे मुलजिम हैं, और बाकी लोग जो फरार चल रहे हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।